कैनबरा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ ने भारत के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए सिख रहनुमा निजर के कत्ल में राख के मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी, साथ ही सिखों को बड़ी यकीन दहानी भी करवा दी। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ माइक बर्जेस का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी राख पर लगाए गए कनाडा के इल्जाम दुरुस्त हैं। कैनेडियन हुकूमत ने तस्दीक के बाद भारत को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। माइक बर्जेस ने मजीद कहा कि किसी भी मुल्क के शहरी का दूसरे मुल्क के हाथों कत्ल संगीन इकदाम है। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ ने सिखों को बड़ी यकीन दहानी करवाई कि सिख शहरियों का मुकम्मल तहफ्फुज़ फ्राहम करेंगे। बताया गया है कि फाइव आइज नुमाइंदगान की मुलाकात में भी माइक बर्जेस ने भी भारत के खिलाफ कैनेडियन मौकफ की तायद की। दरअसल अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का भी कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक मोदी सरकार सिख रहनुमा के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है। ये अमर काबिले जिक्र है कि मारूफ भारतीय तज्जिया निगार अदनाश प्लेवॉल ने भी माइक बर्जेस के बयान की तायद की।